जी कहिए, आप कुछ भूल रहे हैं आज? आपने कुछ भूल रहे हैं आज? आप क्या भूले? जयतारंतन नहीं करी आपने आज महाराज जी से? सुना नहीं हमने? करी थी, आपने बना नहीं दिया। जैसे ही कन्वर्ट, जैसे ही मैंने बोला था। अच्छा, नहीं सुना है, नहीं है, पता नहीं याद क्या हो गया भैया। हाँ, महाराज जी स्तुति पाठ आए थे, हम सबसे पहले वही करा। चलिए ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं? अनंत चतुष्टय में स्वभाव का सहकार करना श्रेष्ठ है, अनंत ज्ञान में स्वभाव का सहकार करना श्रेष्ठ है, मुक्ति स्वभाव का सहकार करना श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। और तारण स्वामी कह रहे हैं मुक्ति श्री, हे भव्य आत्मा, मुक्ति श्री में वरण करो, अर्थात उसका वरण करो, मतलब शाश्वत स्वभाव में रमण करो और ज्ञान में अंतर रहित रमण करो। ध्रुव सम्यक न अंतर
सी सहकारिण ध्रुव सिद्धम, क्या कह रहे हैं भैया, अपने ध्रुव स्वभाव में स्व समय में रमणता में इसकी सहकारिता में कोई अंतर ना आए, तो क्या होगा, अपना ध्रुव स्वभाव में रमण करोगे तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। देखो लास्ट बात है, क्या कह रहे हैं स्वामी कि अपने ऐसे मुक्त स्वभाव का वर्णन करो, ज्ञान में अंतराय रहे, ज्ञान में अंतराय रहे, अपने स्वसमय की जो पहचान हुई है उसको पहचाना है अपन ने, तो उसमें अंतराय रहे तो आचरण करो, मतलब पर पर्याय में मत उलझो, पर पर्याय परिणाम की महानता मत बनाओ। फिर क्या करो भगवान जी, तो कह रहे हैं तारण स्वामी कि ध्रुव संयम न तक अपने शाश्वत स्वभाव में कोई अंतराय नहीं, वो तो निरंतर है, अपने अंतर में अपना ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर सब निरंतर है। तो क्या कह रहा है, सी सहकारो ध्रुव, सहकार नो ध्रुव ध्रुव सिद्धम, क्या कह रहा है भैया, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार करो, कैसा है वो, शाश्वत है, ध्रुव है मतलब शाश्वत है, सहकारिण सिद्धम, ये ही अपना सिद्ध स्वभाव है। तारा समय क्या मिलेगा ऐसे सहकार करके, इसको हम अपने सिद्ध स्वभाव का सहकार कर लेंगे तो क्या होगा, शाश्वत सिद्ध पद प्रकट हो जाएगा। और आगे देखो क्या कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, अप्पा परम आत्म कैसा, अप परम आत्मा ही परमात्मा है, हितकार ऐसा स्वीकार करना ही हितकारी है, सीधी बात। इसके अलावा आत्मा को नाना प्रकार की राग पर्याय में, देश पर्याय में, कसार में, मोह में, राग में, विषय में, वासना में, आत्मा को और किसी भी पर्याय परिणाम में स्वीकार करोगे तो आत्मा का अनिष्ट होगा, किसी भी रूपी पुद्गल अचेत पर्याय से यदि आत्मा की गणना करोगे, आत्मा की तुलना करोगे तो आत्मा पतंजलि हो जाएगा। और यदि आचार तारण समय की बात मानोगे कि अप परमप हितकार, क्या हितकारी है, अपना आत्मा, अपना जो परमात्म स्वरूप है हितकार, वो हितकारी है, हितकार अर्थ, हितकार अर्थ हितकारी है, तो क्या करो, इस हितकार अर्थ से खिपक अपने छायिक स्वभाव को जानो, दृढ़ता रखो, थोड़ी भजनकारी लेके आओ, ऊपर से चिल्ला रहे हो कि आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, भजनकारी लेके आओ, थोड़ी सी दृढ़ता लेके आओ, क्यों, क्योंकि ये अपना परमात्म स्वभाव ही हितकारी है, छायिक स्वरूप है, जान, देखो तो हे ज्ञाता इसको जानो ना, जान अर्थ की बात है ना, इसको जानो, प्रयोजनी पदार्थ को जानो, इष्ट, क्योंकि ये इष्ट है उत्पन्न, अरे किसी को अपनी अनुभूति में उत्पन्न करो ना, प्रियता से प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक, क्या कह रहा है, इस वीतराग स्वभाव को ही देखो, इष्ट मुक्ति रमण, भैया प्रिय स्वभाव में रमण करना ही आत्मा के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, परमात्म छायक पद को प्रकट करने पर। भैया तारण स्वामी की बात सीधी सीधी क्या कह रहे हैं, अपना पर अपना आत्मा ही परमात्मा है, स्वयं छायक स्वरूप, अपना वीतराग स्वभाव स्वयं छायक स्वरूप, यही अपने लिए कल्याणकारी है। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि इसी को प्रिय जानो ना, इसे किसी को प्रयोजन जानो ना, क्यों, क्योंकि देखो तो जो अपना इष्ट स्वभाव अनुभव में प्रकट होगा, अपना ज्ञायक स्वभाव अपने अनुभव में प्रकट होगा, तो मुक्ति रमण मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा में संपूर्ण सर्वगुण संपन्नता, देखो आगे ज्ञान आयरन तीर्थंकर, कितनी बड़ी गारंटी है, सर्वज भगवान की वाणी में गुरुदेव के वचनों में कितनी बड़ी गारंटी है, कितनी बड़ी गारंटी है भैया, ज्ञान आयरन तीर्थंकर, कितनी बड़ी गारंटी है कि तुम ज्ञान स्वभाव में आचरण करोगे तो तीर्थंकर हो जाओगे। अरे ती शंकर मतलब अरिहंत दशा, मुख दशा, पद है तीर्थंकर, तीर्थंकर से मतलब है
वह अनंत चतुष्टय अरिहंत दशा अनंत चतुष्टय में अपने अरे दीवी अनंत सो बस भगवान बादशाह में कोई तुल्य नहीं है वो अनंत वीर सर्वांग में अनंत वीर मतलब चैतन्य में रमण का रूप वीर परम आनंद का सुख तो क्या कह रहा है कि तारण समय क्या कह रहा है ज्ञान आयरन ती तंकर तो यदि ऐसे ज्ञान स्वभाव में निर्दोष आचरण कर रहे हो तो ज्ञान आयरन ती तंकर अरे देखो ऐसा देखो व्यवहार से आप निकालो जैसे तीर्थंकर परमात्मा अनंत ज्ञान में आचरण कर रहा है अब ऐसे अर्थ निकालो ऐसे नहीं निकाल रहा सीधा सीधा ऐसे निकालो जैसे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा अनंत ज्ञान में आचरण कर रहे हैं ऐसे ज्ञान है ऐसे तुम भी ज्ञान में आचरण करोगे तो मुक्ति सिद्ध तो क्या होगा मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और तुम सिद्ध हो जाओगे ठीक है तो ऐसा तारण स्वामी कह रहा है और सीधा सीधा निकालो तो ज्ञान आयरन तीर्थंकर ज्ञान में आचरण करोगे अपने ज्ञाता भाव में रहोगे साक्षी भाव में रहोगे तो मुक्ति साक्षी भाव में रह रहे मुक्ति है साक्षी भाव में रह रहे सिद्ध सिद्ध दशा है यही अपना सिद्ध स्वरूप है तारण स्वामी क्या कह रहा है अब तो सहकार ज्ञान रमन अरे जीवात्मा ऐसे सिद्ध स्वभाव की महिमा को जान के अब सहकार ज्ञान रमण अरे अपनी आत्मा का सहकार करो आत्मा में आचरण करो ज्ञान में रमण करो तो ये आत्मा तीर्थंकर पद को प्राप्त करके सिद्धि और मुक्ति के सुख को भोगेगा तो भैया यदि इन पर पर्याय के प्रपंच में उलझे रहोगे तो तीन काल में भी सिद्ध होने वाला नहीं अब डांट लगेगी फिर अगला प्रोग्राम अब जो सब अभी भी नहीं समझा अब काय भेजेंगे तारण साहब जो इन दो पैराग्राफ में अप स्वभाव को नहीं जान पाया अब उसे अप काय पटकेंगे आई समझ में कि नहीं जदी लगा दिया उन्होंने तारण साहब कह रहे हैं इतने वीतराग स्वभाव की महिमा सुनाई मेरे तुम्हें मैंने मतलब सर्वक परमात्मा ने इतनी वीतराग स्वभाव की महिमा सुनाई तुमसे तुमसे कहा कि तुम आत्मा हो शुद्धात्मा हो परमात्मा हो तीन लोक के नाथ हो पहले इतने वीतराग स्वभाव की महिमा सुनाई अर्घ स्वभाव की महिमा सुनाई तुम्हें तीर्थंकर पद को प्राप्त करने का ज्ञान ज्ञायक होने का मार्ग बताया साक्षी भाव में रहने का मार्ग बताया तीर्थंकर जैसे सबको भोगने की निधि बताई इसके बाद भी तुम नहीं समझ रहे इसके बाद भी तुम नहीं समझ रहा है इसके बाद भी तुम नहीं चेत रहा है इसके बाद भी गुरु की बात नहीं मान रहा है जिनेंद्र की बात नहीं मान रहा है तो जदि के विशेष तो क्या लिखा जदि के विशेष यदि कोई विशेष पक्ष राग का पक्ष मोह का पक्ष मिथ्यात पक्ष मतलब सीधा सीधा मिथ्यात के साथ आ जाए यदि किसी भी विशेष पर्याय का पक्ष हुआ मतलब किसी भी पर्याय को पक्षपात किया मैं तो स्त्री हूं मेरी भूमिका यह है अपने आप को पर पर्याय में मार किसी भी पक्ष में पड़े अनेकांत में अपने बीतराग भाव को भूल के भूमि के पक्ष में पड़ जाए स्वर्ग के पक्ष में पड़ जाए बस कुछ भी कारण समय कह रहे हैं यहाँ पूरे नाम लिखेंगे वो आगे पूरे नाम भी है क्या कह रहे हैं यदि के विशेष पक्ष यदि तुमने किसी भी अज्ञानता के कारण से कोई भी विशेष पक्ष में उलझ गए किसी भी विशेष पक्ष में पढ़ के यदि तुमने कुछ भी क्या बोलते हैं अपनी आत्मा का विस्मरण करा भगवान की बात नहीं मानी क्या क्या पक्ष भैया जनरंजन राग अर्थात दुनिया को पसंद करने के राग में फंसे रहे देखो ना यहाँ से मिला ना जनरंजन मतलब दुनिया को प्रसन्न करने के राग में फंसता है मतलब संसार के राग से नहीं छूटे कलरंजन देह में ममता भाव नहीं टूटा देह में सुखी बुद्धि नहीं टूटी कलरंजन मनोरंजन इंद्रिय विषयों का कारण नहीं टूटा दर्शन मोहन भैया मिथ्या दर्शन से पर्याय को देखे मोह में अंधे बने रहे आवरण ज्ञानावरणी कर्म के छह सब में उलझ रहे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया भय
नौ गए, तीन सन संका कषाय, 25 कषाय मल, मिथ्या मिथ्या सहकार, भैया और मिथ्या का सहकार किया, न्याय रमण आवरण और ज्ञायक स्वभाव में रमण करने में आवरण डाला, अंतराय डाला, तो जीव नियम से कहाँ जाओगे? तो तारण स्वामी कहते हैं इस प्रकार से आवरण डालोगे तो स्थावर काय में जाके जल लो, स्थावर काय में जल काय को जाओ। सब है, सब तो है, सन तीन सन सब अलग अलग सारे नाम लिख दिए हो और मूल लिख दिया मूल मिथ्या सहता कि ये जनरंजन कलरंजन मनोरंजन दर्शन मोहन ज्ञान आवरण भय शल शंका कषाय मल ये 25 प्रकार की कषाय ये सब क्यों लगे हो तुम इसमें? मिथ्या सहता ज्ञान रमण आवरण, तुम मिथ्या को पर्याय की हो अर्थात वस्तु स्वरूप को ना स्वीकार करके पर पर्याय जो निमित्त भाव है उसमें ही लगे हो, उसका सहकार करने में लगे हो और ज्ञान रमण आवरण जो गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव की साधना करो, ज्ञान स्वभाव की साधना करो उसे सुन नहीं रहे, वही तो तारण स्वामी जी कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं मुक्ति श्री में चलो, ज्ञान के आश्रय से मुक्ति श्री में चलो, वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रही और जनरंजन दुनिया संसार क्या कह रहा है, शरीर शरीर को क्या चाहिए, शरीर शरीर की सुख की चिंता है, मनोरंजन मन के इंद्रिय विषयों की चिंता है, दर्शन मोह में अंधे होके क्या कर रहे हैं भैया, पर पर्याय कोई देख रहा है, मिथ्या दर्शन अरे कुदेव मिथ्या देव इनकी मानता करके बैठे हो, ज्ञान पे आवरण डाल रहा है, छयोपशम ज्ञान को ज्ञान मान रहा है, आत्मज्ञान की सूरत नहीं, भय भयभीत बने हो क्या होगा कैसे होगा, सल शंकाएं कर रहे हैं और 25 मल कषाय में भैया दिन रात डूबे हो, हास रति शोक जुगुप्सा आदि इन भाव को क्रोध मान माया लोभ सहित कर रहे हैं और तारा स्वामी क्या कह रहे हैं ये सब मिथ्या सहता, ये सब क्या है, सब मिथ्या है और तुम इन मिथ्या भाव का सहकार कर रहे हो और ज्ञान प्रवण आवरण और ज्ञायक स्वभाव को भूले हुए बेटा जल काय में जाओगे, जल जीव हो जाओगे, जल काय में जाओगे और जल काय में जाके एक इंद्रिय शरीर को धारण कर लोगे, बताओ एक इंद्रिय शरीर धारण करना है कि नहीं करना, नहीं करना तो ये लक्षण तो नहीं मिल रहा है, पहले बता ये बताओ जल काय में जाना है, जल काय में जाना है कि नहीं जाना है, अरे मिथ्या सहित इन अज्ञान भाव में लगे हुए तो जाना तो वही पड़ेगा, इसलिए जन जन में जनता खुश रहे ये भी तो आएगा, हाँ मैं ऐसा कार्यक्रम में सब लोग खुश रहे, कोई तो जन रंजन रहेगा लोगों को प्रसन्न करने का प्रसन्न करना, अरे वो गलत होगा, आत्मा को भूल के संसार को प्रसन्न करने का भाव ही जनरंजन, कोई क्या पाएगा लोग क्या, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 25वीं कसा चलो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, देखो क्या कह रहा है, क्या करना क्या कह रहे हैं, अंतराय रहित क्या कह रहे हैं भैया कि अपने स्वभाव को छोड़ के अंतराय रहित को लिखा, अंतराय सहित होना चाहिए, चलो ठीक है अर्थ निकाल लेंगे इसका कि हाँ अज्ञान भाव में अंतराय रहित रमण करता और रमण आस्थान ज्ञान परमेष्टि आचार्य परमात्मा ने उपदेश दिया है क्या कि अपने वीतराग स्वभाव में रमण करो, क्या उपदेश दिया गया आचार्य भगवान तो ने उपदेश दिया अंतराय रहित होके क्या करो रमण रमण करो आस्थान ज्ञान अपने परम इष्ट स्वभाव में आचरण करो, चतुष्टय रत्नत्रय में आचरण करो, चतुष्टय में आचरण करो, अनमोल सहकार विशेष इन सब में आचरण करने की प्रेरणा आचार्य भगवान तो ने दी है, लेकिन ये क्या करता है अंतराय रहित आचरण करने की जगह अंतराय सहित होके अंतराय कर्म सहित होके करता है अपने स्वस्थान पे आवरण डालता है, ज्ञान में अपने परम इष्ट पद को नहीं देखता, अनंत चतुष्टय स्वभाव को नहीं देखता, रत्नत्रय की साधना को नहीं देखता, आत्मा की अनुबोधना को ना देख के विशेष आवरण इन सब पे विशेष आवरण करता,
मतलब मैं क्या मानता हूँ सहित, ना रत्नाकर को मानता है, ना पंच परमेष्ठी को मानता है, ना अनंत चतुष्टय को मानता है, ना स्वास्थान मेरी आत्मशुद्ध बुद्ध है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, इन सब पे आवरण करता। तो बस इस प्रकार से विशेष आवरण करके देखो कहा जाए अंतर समय मुहूर्त आवरण, भैया क्या करता है अपने स्व समय पे मुहूर्त भर आवरण डालता है, और अंतर स्वभाव अंतर हितकार आवरण क्या करता है अपने स्वभाव में सहकार करने में सम्यक ज्ञान की सहकारिता में हितकार आत्मा का हित करने में आवरण डालता है, सहकार आवरण चारित्र में आवरण डालता है, फिर हितकार आवरण अपने हित की बात सुनने में आवरण डालता है। भगवान कह रहे हैं लेकिन हमारे पास अब टाइम ही नहीं है, जानू आवरण आत्मा को जानने में आवरण डालता है, रमण ज्ञान आवरण ज्ञान की रमणता में आवरण डालता है, तदी अब कहा जीव उत्पन्न। अब बता अब कहा जाए अंतर मुहूर्त लिखा है, हाँ तो अभी अली तदी अभी बता रहे तदी अब कहा जीव उत्पन्न, तब वो जीव अपकाय में उत्पन्न होके उपयोग चतुष्टय ही चतुष्टय से ही मतलब मन वचन काय अब नहीं है उसके पास, मन बुद्धि चित्त अहम जिनमें अहंकार कर रहा था ना, अब तो अंतरंग जो चतुष्टय है वो आत्मा वाले तो है ही नहीं, वो तो आत्मा में है मतलब वो तो प्रकट हो ही नहीं सकते, लेकिन जो मन बुद्धि चित्त अहम है ना वो भी नहीं है अब तो, और जो बहिरंग चतुष्टय है ना मन बुद्धि चित्त अहम ये भी नहीं है, और अपने अनंत चतुष्टय के स्वभाव से तो हीन है, तदी स्वभाव ऐसे स्वभाव कारण अंतर मुहूर्त एक अंतर मुहूर्त में काम आएगा, एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार भ्रमण करोती 12,024 बार जन्म लेगा और मरण करेगा, बड़ी आनंद मिलेगा। अब तो देखो ये कह रहा है तारा स्वामी, अब जाके बता क्या कह रहा है तारा स्वामी कि ज्ञान पे आवरण करें अपने अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव पे रत्नत्रय की साधना पे पंच परमेष्ठी के वचनों पे परम इष्ट ज्ञान स्वभाव की आराधना पे अपने ज्ञान की अनुमोदना पे विशेष आवरण करेगा भैया, अपने स्व समय में सहकारिता में मुहूर्त आवरण मुहूर्त भर आवरण करेगा, मुहूर्त भर भूला रहेगा आत्मा को याद ही नहीं करेगा, तो क्या करेगा अंतर स्वभाई अंतर क्या करेगा अपने स्वभाव में अंतर डालेगा, हितकार आवरण आत्मा के हित का विचार नहीं करेगा, सहकार आवरण आत्मा में आचरण करने की चारित्र को ग्रहण करने की कोई भावना नहीं होगी, हितकार आवरण भगवान बार बार हित का मार्ग बता रहे हैं, सम्यक ज्ञान प्रकट करने की कला बता रहा है, कह रहा है जीव मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, लेकिन सुनेगा नहीं समझेगा नहीं स्वीकार नहीं करेगा, हमें जो करना है हम तो वही करेंगे, जानू आवरण आत्मा को जानने में आवरण करेगा, और रमण ज्ञान आवरण ज्ञान की रमणता में आवरण करेगा, भाव से कसाय में पूरा पूरा मन लगेगा। तो तारण स्वामी कह रहा है तदी अपकाय, तब क्या हो अब क्या कह रहा है तदी अपकाय जीव उत्पन्न, तो कहा जाएगा जल काय में उत्पन्न होगा, जल काय में कितना आनंद है देखो, भेगे रहो कितना आनंद है पानी को कितना आनंद है ना, तो क्या कह रहा है तदी अपकाय जीव उत्पन्न, तो उस जल काय में जाके जल कायिक हो जाएगा, उपयोग चतुष्टय ही बहिरंग चतुष्टय भी छूट जाएंगे और अंतर चतुष्टय का बोध तो उसे है ही नहीं, तदी स्वभाव इस अचेत स्वभाव कारण इस अज्ञान स्वभाव कारण मुहूर्त 12,024 बार भ्रमण करोति, इस मिनट में एक समय कम हाँ अंतर मुहूर्त में मतलब जितनी बार भ्रमण हो जाए 12,024 बार जन्म लेगा और मरण करेगा। हाँ बता अपना क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है अपना, समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं और दूसरा समय कम को अंतर मुहूर्त कहते हैं। क्या करना है अपने को ये बता, कोशिश करेंगे वहां नहीं जाएंगे, कैसे नहीं जाओगे लक्षण तो मिल रहा है पूरे, कोशिश नहीं होना चाहिए
ज्ञान पे आवरण, सहकार पे आवरण, हित की बात सुनने में आवरण, जानने में आवरण, भगवान की बात सुनने जानने में। अब आप खुद देखो कितने लोगों की रुचि है। तो देखो तो जीव क्यों नहीं आ पा रहे मंदिर, क्यों स्वाध्याय नहीं कर पा रहा है, क्यों चिंतन नहीं कर पा रहा है, क्यों उनकी अंतर अनुभूति की बात समझ में नहीं आ रही, क्यों तारे स्वामी ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा है, लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि अप का है, क्योंकि गति तो स्थावर काय की बनना है ना। और जब स्थावर काय गति बनना है तो जीव कहाँ से जुड़े, जिनेन भगवान की वाणी से, अंतर तत्व के विचार से जीव कहाँ से जुड़े, क्यों, क्योंकि इतना आवरण करके, अपने ज्ञान पे आवरण करके, अपने चरित्र पे आवरण करके, अपनी आत्मा को जानने पे आवरण करके, अपने हित का विचार पे आवरण करके, क्या करना से तदी अपकाय जीवन अपकाय उत्पन्न होना। सुनो, मन बुद्धि चित्त अहम भी नहीं मिलेंगे, बाहर वाले चतुष्ट नहीं मिलेंगे, अंतर वाले तो गए। और नारायण स्वामी की कह रहे हैं चतुष्ट से हीन होगा और एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार जन्म मरण करेगा, अपना क्या होगा अभी तो वो कब तक, अनंत काल कलन विशेष ना दृष्टि देख रही नहीं रहा इसी कारण से। भाव मरण तो जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं है तब तक प्रति समय हो रहा, यानी कि हर मिनट हर सेकंड में जहाँ परिणाम बिगड़ना है वहाँ भाव मरण तो है। तो भाव मरण तो अपन कर ही रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो मन बुद्ध पंच इंद्रिय और संगी पंच इंद्रिय, यहाँ तो कोई अच्छा बुरा विचार भी कर ले, कभी पुण्य कभी पाप है, लेकिन अपकाय में तो पुण्य का कोई ठेवा नहीं है। यहाँ तो वर्तमान में यहाँ तो पुण्य पाप पर ठेव मिल जाता है कि भूख लगी तो चल लो, प्यास लगी तो पी लो, भोगों की इच्छा हुई मन में, भोगों की इच्छा हुई भोगों पर अमल कर लो, जो चाहे वो कर लो, पुण्य है ना। यहाँ तो पुण्य का ढेला है, लंटू उठाओ खा जा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद तो फिर वही है, लेकिन इस गति में चले जाए वहां तो पुण्य के लड्डू भी नहीं है। मन बुद्धि चित्त है भी नहीं है, और तार सब कह रहे हैं अनंत काल कलन विशेष में दृष्टते, और वो जीव अनंत काल तक रहेगा, आत रोद्र ध्यान ही रहेगा उसका, रात रोद ध्यान में अनंत काल तक रहेगा, कलम विशेष दृष्टि आत्मा को, आत्मा के ध्यान को मां अनुभव भी नहीं कर पाए, इतनी ताकत ही नहीं, पात्रता ही नहीं। आज इस बात को सुन के ये बहुमान आना चाहिए कि आत्मा का तो वही गुण है उसमें नहीं है, लेकिन इतना दबा हुआ है आज तो जेड कह रहे हैं अनंत काल तक वो आत्मा का ध्यान भी नहीं कर पाएगा, जीव होते हुए जीव शक्ति को जान भी नहीं पाएगा, ऐसी महिमा आनी चाहिए सुन के, धन्य भाग धन्य भाग धन्य भाग संगी पंचेंद्री पर्याप्त को जुर्माणी मिल गई, और नहीं तो अनंत काल तक वो जीव वहां इस तत्व का विचार भी नहीं कर पाएगा, मन नहीं रहेगा तो ध्यान कहां से करेगा। इसी पर्याय पर्याय नहीं है, काय नहीं जा रहा भैया, करो ना जल्दी से अपना कल्याण। इतनी गुरु महाराज इतनी जम से कह रहे हैं कि देखो भ्रमत भ्रमत, यदि वो जीव भी भ्रमत भ्रमत भ्रम करते करते यदि कभी किसी देव योग से, जैसे अपन निकल के आ गए, अपन भी निकल के आए नहीं, भाड़े में चले गए तरह उठ सक के आए कि नहीं आए, तो बड़बूजे से उचके हुए चने की तरह भ्रमत भ्रमत यदि कभी परिणाम रमण ज्ञान अस्थान उत्पन्न हो, यदि कोई जीव विशेष जीव यदि महास निकल जाए और ज्ञान स्वभाव में रमणता को प्रकट कर ले, तदी काल तदी मुहूर्त तदी समय, उस समय जिस समय वो अपने ऐसे स्वभाव की रमणता को प्रकट करता है, अब स्वभाव ज्ञान रमण उत्पन्न हो, आत्म स्वभाव की ज्ञान रमणता को प्रकट करता है, तदी अप काय मुहूर्त क्षिपना क्षिपक ले जस, क्या कह रहे हैं भैया, तो उसकी सत्ता से अपकाय आदि कर्मों को, जो अपकाय आदि गतियों का बंध है वो सारा का सारा क्षय हो जाएगा, ले जस परिणाम
वो अपने स्वभाव में रमण करने के परिणाम को प्रकट करके क्या करेगा, आयरन आयस्थान कलिकाल आयरन उत्पन्न रमण भक्ति, क्या करेगा अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करेगा, स्वस्वभाव में आचरण करेगा। जदि काल, जिस काल में आयरन रमण अपने आत्म स्वभाव में आचरण को प्रकट करेगा, तदि ज्ञान रमण विशेष कम खपति मुक्ति जानती, तब वो जीव वहां से निकल कर भी ज्ञान स्वभाव की विशेषता को प्राप्त करके कर्मों को छे करते हुए मुक्ति श्री को प्राप्त कर ले। अपन देखो भैया तहां समझ रहे, जो निकल के आएगा उसकी बात है, अपन तो आ गए कि नहीं आए, तो आ तो अपन वहां वापस जाने वाले हैं या फिर अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता का मार्ग बना के अपन तो अब कहां से निकल आए, वर्तमान पर्याय में तो अब कहां नहीं, तो अपन तो वहां से निकल आए ना। तो ये वैराग का चिंतन का विषय है जीव आत्मा, कि तुम उस दुर्गति से निकल आए, तुम देखो उस जल कायम कितने दुख है, 12,024 बार जन्म मरण है, और तुम संगी हो गए, पंचेंद्रिय हो गए, मन सहित हो गए, चार चतुष्टयों को प्रकट करने की पात्रता मन बुद्धि चित्तम तुम्हारे पास है, पांच इंद्रिय और मन का उपयोग यदि आत्महित के विचार में करोगे, मन बुद्धि चित्तम को एक तत्व के विचार में लगाओगे और ज्ञान स्वभाव में रमणता, ये समझो कि मैं अपकाय से निकल के आया हूं, और ज्ञान स्वभाव में रमणता प्रकट करोगे, अपना प्रसाद जगाओगे, क्या होगा भैया, तो क्या होगा, ये अपकाय आदि जो गतियां हैं इनके बंद अपनी सत्ता से हिला जाएंगे, और स्वस्वभाव में आचरण करके ये जीव क्या होगा, सारे कर्मों को छे करके मुक्ति श्री को प्राप्त करेगा। भैया जीव का एक भाव का प्रसाद नहीं, अनंत अनंत भावों का प्रसाद। आज आप जिन्होंने सुन रहे हो, ना जाने कौन कौन से भाव की भावनाएं काम आ रही, आज अपन अपका एक इंद्र दो इंद्र प्रयास निकल आए, तो ना जाने कौन कौन से निमित्त और कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन सी उत्कृष्ट भावनाएं हैं जो आज त्रस पर्याय में अपने को पंचेंद्रीय पना प्राप्त हो, सामान्य सी बात नहीं है, जिसकी कीमत अपन नहीं कर रहा है, जिस मनुष्य भक्त की अपन कीमत नहीं कर रहा है, ये प्राप्त करना सामान्य सी बात नहीं है, और उस मनुष्य भाव में जिनवाणी को पाना, ये ना जाने कितने भवों की भावना का फल है, एक भाव की भावना का फल है, एक तो भाव की भावना से नहीं हो सकता, ये ना जाने हिमाली माते सुरी की जय हो, जय हो, जय हो गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, तो भवों की साधना का फल है जो आज उसने को ये तारण तरण जिनेश्वर की वाणी और सर्वज्ञ के वचन सुनने मिल रहे हैं। तो आज ये जो अपने को अवसर मिला है, ये एक भाव की भावना नहीं, अनंत भावों की भावना का फल है। तो भगवान आत्मा जब आज अपनी अनंत भावों की भावना फलीभूत हो गई है, अपनी भावना फलीभूत हो गई क्या, तो अपनी अनंत भावों की भावना जब आज फलीभूत हो गई है, सामने सार्थक हो गई है, तो अब तो अपना चित्त लगाओ अपने ग्रह तत्व की स्वीकारता में, अब तो पांच इंद्रिय विषय कषाय से हटके अब तो अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता करो, कर्मों का क्षय करो, और जय जयकार मचा, निर्वाण की प्राप्ति करो, तो आनंद की अनुभूतियों के मार्ग बनेंगे। और नहीं तो चैलेंज है कारण स्वामी का, यदि तुम भूले अपने आत्मा को और विशेषता से अनंत चतुष्टय पे, ज्ञान स्वभाव की रमणता पे और आत्म स्वभाव के सहकार पे आधार करा, तो 12,024 बार एक अंतर मुहूर्त के मध्य जन्म मरण करो, 47 मिनट और 48 मिनट में 2-3 समय कम बस जा सकते, दो समय तीन समय कम, तो इतनी देर में कहते हैं दो कम दो समय कम अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त दो समय कम जन्म मरण करोगे, करना है कि नहीं, 12,024 बार यार अब तो नहीं बोलेंगे, बात तो नहीं ना, बात इतने नहीं जान कर दिया पक्का, आगे सम्मत हो गया, आगे सम्मत हो गया कि नहीं, चले गए होंगे, लेकिन अब तो वहां से तो आए हैं, यदि वहां यदि वहां प्रमोशन कर करके पतंजलि में आ गए, सुनो सुनो, जीव इतर निरोध में आता है, नित्य निरोध से निकल के इतर निरोध में आता है,
इतर निगोद में आने के बाद कई बार पंच परावर्तन करके वापस इतर निगोद चला जाता है। अच्छा हाँ, और फिर इतर निगोद से निकल के फिर अपना जीव आया, तो हम कई बार इतर निगोद चले गए और कई बार इतर निगोद से निकल आए, कोई भरोसा थोड़ी ना। आत्मानंद काल से कईयों बार इतर निगोद गई डूबी और कईयों बार इतर निगोद से निकली, लेकिन आज निकली है इतर निगोद से और त्रस पर्याय में मनुष्य परम प्राप्त किया है, तो ये अवसर है। और ये अवसर काहे के लिए है, खाने पीने के लिए नहीं है। मान तो जाओ, 48 बार दिया अवसर, और क्या चाहिए? वो संख्या गलत है, 48 बार 16 बार मनुष्य 16 बार वो अपेक्षाकृत है। कर्णालयों के सिद्धांत में जाओ तो अपेक्षाकृत है वो कथन, वो सब एक अपेक्षाकृत है। उसको यदि सूक्ष्मता से कभी हम चर्चा करेंगे तो कितने बार हमने कई बार करी भी है, संख्या याद नहीं रहती कर्णालयों के विषय, लेकिन कितने बार जन्म ले सकता है, कितने बहुत लंबी अवधि है वो मनुष्य भाव की, कितने बार कौन सा जी जन्म ले सकता है, ये 48-47 वाला कथन किसी विशेष अपेक्षा से है, ठीक है। तो अपनी जो बात है वो है कि मौका बड़ा अपूर्व मिला है इस भाव में, अनंत भवों की सार्थकता हो गई है, पूर्व के अनंत भवों की सार्थकता हो गई है कि भगवान महावीर का शासनकाल मिल गया है। और सही कह रहा है, यदि इस काल को छोड़ के, अरे जैन धर्म को छोड़ के और कहीं पैदा हो जाते तो वस्तु स्वरूप स्वीकार होने वाला आत्मा की बात करने वाले करोड़ों लोग हैं, अनेक मत हैं जहां आत्मा की बात चलती है, लेकिन वस्तु के स्वभाव को, द्रव्य की परख को, यथार्थ सिद्धांत को बताने वाला जैन धर्म है। अरे सुनो तो, आत्मा की बात करने वाले अनेक पंथों में सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो वही है जहां द्रव्य अर्थात वस्तु की तत्व की यथार्थ स्वीकारता है, वहां सम्यक दर्शन। इसलिए जीवात्मा भ्रमित होने का मार्ग नहीं है, सर्वज्ञ की वाणी को यथार्थ स्वीकार करने का मार्ग। तो भैया आज अपन अप काय से, अब अपन चलने वाले तेज काय। अभी 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 अपन जल जल थे यार, हम भूल गए काय और काय, आपने बता रही हो ना, काय मतलब और अप काय, काय मतलब पानी जो जीव रहित, काय और कायिक मतलब जहाँ जल जीव सहित है, और एक जल जीव कहा था विग्रह गति वाला, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अभी अपन पानी पानी थे, अब हम अग्नि अग्नि हो रहे हैं। क्या कह रहा है, अभी अब पानी पानी थे कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अपन जब तारण स्वामी से सुन रहे थे तब हम पानी पानी थे, पानी पानी हो रहे थे, पानी हो गए और अब देखो अब अथ तेज का निरुक्तम, अब अग्नि अग्नि होने वाले हैं। पहले पानी पानी थे, अब अग्नि अग्नि होने वाले हैं, क्या विचार है? तेज का मतलब समझ गए, अग्नि का है, अग्नि का है, अर्थात यदि आप कहीं भी अग्नि प्रज्वलित करते हो तो लघु अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उसमें जीव उत्पत्ति, उस योग जीव उत्मान हो ही जाते हैं, तत्काल हो जाते। तो क्या कह रहे हैं भैया, ये अपन अभी तक क्या बोलते हैं शीतलता का एहसास कर रहे थे चल काय के जीव होके, और आप अग्नि काय के जीव होके थोड़ा क्या बोलते जलन का एहसास कर लेते। अच्छा बताओ, जल काय के जीव को कितनी शीतलता मिलती है? अपने को पानी पी के शीतलता मिलती है, जल काय के जीव को कितनी शीतलता मिलती है, कितनी ठंडक मिलती है? जल काय का जीव का, हाँ जल का स्वभाव है शीतल, जल का जल में जो जीव है उसे एक समय की शीतलता शांति नहीं है, हाँ आत्रोद्र ध्यान के अलावा कुछ रोद्र ध्यान ही है, आत्र ध्यान में नहीं। और तेज काय में तो भैया अग्नि से तो सब जलन मानते हैं,
ठीक है। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं, अत तेज का है निरूपणम, क्या विषय चालू हो गया, अग्नि का, बस जी अग्नि का चालू हो गया। चलिए अब अपना विशेष ये सब निकल गया दीदी, अब आप लेट आए, ठीक है। अब अपना विषय आ गया है अत तेज का है निरूपणम, ये सब चला गया। तेज का निरूपण क्या है, तेज का है क्या है, यह एक इंद्री पर्याय, एक इंद्री निरूपण थावर गति, गति थावर, तेज का है क्या है, इसमें बुद्धि थावर, एक इंद्री पर्याय है, थावर गति है, गति थावर ही रहती है, स्थावर पांचों की, और आस्थान ज्ञान आवरण थावर, तो क्यों जाता है जी, कारण पढ़ा, पढ़ो क्या लिखा है, आस्थान ज्ञान आवरण थावर क्यों जाता है, क्योंकि स्वस्थान निज आत्मा में आचरण करने में आवरण डालता है, ज्ञान में आचरण करने में आवरण डालता है, इसलिए ज्ञान स्वभाव में आचरण करने में आवरण डालता है, इसलिए एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में जाता है। तेज काय निरूपण, ये तेज काय का निरूपण कर रहा है, गति त्रियंश, कौन सी गति है तेज काय जी की, पांच स्थावर का कौन सी गति में आते, त्रियंश निगो दिया और पांच स्थावर का है, ये सब काय में आते हैं त्रियंश गति में, ध्यान रखो भगवान जी। तो क्या कह रहे हैं, एक इंद्री निरूपणम थावर गति, स्वस्थान में आवरण अर्थात ज्ञान में आचरण करने में आवरण डालने से स्थावर होता है, तेज काय का विशेष निरूपण यहाँ हो रहा है, तेज काय में जीव कैसे जाता है ये बता रहे हैं, गति त्रियंश, गति कौन सी है, त्रियंश गति, ठीक है। वही क्यों मैं यहाँ आस्थान ज्ञान आवरण, क्योंकि आज तक इस जीव को अपने शुद्ध स्वभाव का सहकार नहीं, क्यों बना अग्नि काय का जीव, ये जीव अग्नि काय में क्यों है, अग्नि काय में जाने की योग्यता क्यों बनी इसकी, अग्नि काय में जाने की योग्यता क्यों बनी, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार न करके स्व स्वभाव में आवरण आचरण, स्व स्वभाव में आचरण करने में इसने किया आवरण, तो स्व स्वभाव में आचरण करने में करा आवरण, मतलब त्रियंश, देखो त्रियंश दो प्रकार से वर्णन करना पड़ेगा, आप त्रियंश कैसे दो प्रकार से, एक आप पशु वाले त्रियंश को पशु मानते हो उसे त्रियंश गति कहते हो, अब बताओ भैया वो तो त्रियंश गति है, अब स्थावर गति को क्या कहोगे आप, कहा क्या कहोगे, त्रियंश मोनी जो होती है उससे उत्पन्न होता है त्रियंश गति, इसका नहीं होता, जब गति कितनी होती है, गति कितनी होती है, त्रियंश गति एक इंद्रिय से हो, गति कितनी होती है, चार गति, चार होती है, कौन कौन सी, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्रियंश, मनुष्य गति, त्रियंश गति, नरक गति और देव गति, चार होती ना। अब क्या बोलते हैं, क्या देव गति में तो आएंगे नहीं, ये मनुष्य गति में आएंगे नहीं है ना, और क्या बोलते हैं देव नरक, नरक गति में भी नहीं आएंगे, तो आप इन्हें कहाँ पटकोगे आप, बस्ती से आगे समझ, चलिए अच्छे से समझा दो सब पास समझ में आते, चलो ठीक है आगे चले, तो अपन चलते हैं, आस्थान ज्ञान आवरण थावर क्यों नहीं आई बात समझ में, चारों गतियों में भ्रमण करते करते क्यों नहीं आई बात समझ में जीव को, इसलिए नहीं आई क्योंकि अब एक इंद्री से लेकर चार इंद्री तक सब वही है, चार नहीं आसंगी सब 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 वही आएंगे, त्रियंश गति है, इन चार गतियों को छोड़ के वो तीन गति देव गति नरक गति और मनुष्य गति, यदि इन नाम कर्म का उदय नहीं है तो बाकी सबकी त्रियंश गति ही है, इतना सब मनुष्य तो असैनी नहीं होता ना, अरे मनुष्य गति में असैनी तो नहीं होता, अजंती तो मान लिया ऐसे नहीं होता, मनुष्य गति की बात कर, अरे भगवान जी लब्ध पर्याप्त मनुष्य होता कि नहीं होता, लब्ध पर्याप्त मनुष्य होता कि नहीं होता, जब लब्ध पर्याप्त होता है
मनुष्य के कितनी लाख योनियां 84 लाख। अब 84 लाख योनियों में लब्ध पर्याप्तक मतलब अपर्याप्तक दशा वाला मनुष्य होता है, पर्याप्तक दशा वाला मनुष्य होता है। मनुष्य मनुष्य नाम कर्म का उदय का नाम है मनुष्य गति, और मनुष्य नाम कर्म के 84 लाख भेद। अब वो 84 लाख भेद आज तक आगे ढूंढते ढूंढते रहेगा, कहीं नहीं मिले, कहाँ लिखे। तो वो 84 लाख भेद है उन योनियों के। अब 84 लाख में कौन कौन सी कैसे कैसे है सब देखना पड़ेगा। मनुष्य मनुष्य की बॉडी 84 लाख। अरे 84 लाख नहीं, मनुष्य कितनी है 84 लाख टोटल है 14 लाख। इन 14 लाख में कितना जीव भटका मनुष्य में, ये तो दिखाएगा सैनिक पसंद भी होती है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ मनुष्य गति में ऐसे भी होती है नहीं। मनुष्य गति के 14 लाख है, दोनों में सैनी असैनी का भेद है। अपन जब अपन जब जीव समाज पढ़ेंगे, हम नीचे से जीव समाज पढ़ाया था बोल पे चित्र बना के, जब अच्छे से पढ़ाया था कि कहाँ सैनी होते हैं कहाँ असैनी होते हैं, कहाँ जलचर है कहाँ नवचर है, कहाँ क्या है क्या है, इसके लिए आपको अलग से जीव समाज की क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस विषय को हम यहाँ क्लोज करते हैं, पर हम जाते हैं यहाँ तारण स्वामी ने कह रहे हैं आस्थान ज्ञान आवरण थावर। क्या कह रहे हैं भैया, स्वस्थान में आचरण करोगे तो थावर पर्याय में जाओगे। और क्या कह रहे हैं, आयरन देखो देखो क्या करना है, आयरन आयरन शुद्ध मुक्ति गामी। और यदि शुद्ध स्वभाव में आचरण करोगे, शुद्ध स्वभाव में आचरण करोगे तो मुक्ति में गमन करो। दोनों वाक्य जुड़ो, देखो दोनों वाक्य कहिए, स्वा समय वीतराग स्वभाव में आचरण करने में आवरण डालोगे, देखो आवरण सब डालन तो थावर, और आयरन आयरन, और आचरण करोगे, आचरण करोगे कहाँ आचरण करोगे, शुद्ध मुक्ति गामी रूप, शुद्ध स्वभाव में आचरण करोगे, स्व समय में आचरण करोगे तो मुक्ति में जाओगे भी। अब तारण सम करें कस आयरन अपन, हमें कौन सा आचरण प्रकट करना चाहिए, कौन सा आसन प्रकट करना चाहिए, कस आयरन कि हमें कौन सा आचरण प्रकट करना चाहिए तो हम स्थावर गति में ना जाए। तो तारण सम कहते हैं उत्पन्न आयरन उत्पन्न विन, हमें निर्विकल तत्व में आचरण करने की भावना करना चाहिए, निर्विकल स्वभाव को निर्विकल स्वानुभूति को प्रकट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो भव्य आत्मा निर्विकल आत्मानुभूति को प्रकट कर लेता है, स्वानुभूति का मार्ग बना लेता है, वो दुर्गति में जन नहीं है। ये तारण स्वामी कह रहे हैं। और तारण स्वामी यदि अपने आत्म स्वभाव में आचरण नहीं कर पाए तो निर्विकल अनुभव को प्रकट नहीं कर पाए तो भ्रमण एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार अग्नि काय के जीवन के जन्म मरण करोगे। इतना अधिक जन्म मरण भी हो सकता यदि अपन ने क्या नहीं करा भैया, कस आयरन अपन, तारण समय आपकी बता, हमें स्थावर गति में नहीं जाना। देखो आगे यहाँ आएगा तेंद्री सहकार, मतलब तीन इंद्री नहीं, उस इंद्री में रख लेता है, तेंद्री प्रियो इंद्रियों से प्रेम करता है, तेंद्री क्रांति इंद्रियों की चपलता में ही लगा रहता है, तेंद्री सही आसन उन इंद्रियों में ही स्वयं आसन मतलब उन्हीं में स्थिर रहता है, तेंद्री ग्रह उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। यदि इंद्रिय विषयों के प्रपंच में फंसे रहोगे तो तेज काल में 12,024 बार जन्म ग्रहण इंद्रिय रूपी अपने को देखोगे, इंद्रिय रूपी अपने को जानोगे, इंद्रिय रूपी अपने को मानोगे, तेंद्रिय वचन इंद्रिय भावों की बात करता है, तेंद्रिय रमण इंद्रिय रूप भाव को देखता है, तेंद्रिय सत इसकी पूरी ज्ञान में चेतना इंद्रिय भाव रूप हो रही है। तो कारण समझ कह रहा है इंद्रिय भाव रूप हो गए तो एक इंद्रिय तेज काल में चले। और यहाँ कह रहे हैं यदि इस तेंद्रिय भाव को छोड़ के
अंतर आत्मा के तेजोत्पन्न स्वभाव, ये शब्द भी यहाँ आएगा, यहाँ तक हमें याद है। यदि इस इंद्रिय के भाव को भूल के तेजोत्पन्न स्वभाव, यदि अपने अंतर आत्मा के तेज को देखोगे, ज्ञायक तत्व के प्रकाश को देखोगे, शुद्ध आत्मा की शक्ति को देखोगे, तो जीवात्मा कभी भी इस तेज काय में जन्म मरण नहीं करोगे। क्या करना, दोनों बात हो गई। देखो फिर से, आस्थान ज्ञान आवरण थावर, अरे स्वा समय में आचरण करने में प्रमाद करोगे तो स्थावर, और आयरन आयरन शुद्ध मुक्ति गामिनो, और यदि अपने शुद्ध स्वभाव में आचरण करोगे तो मुक्ति में गमन करोगे। और तारण स्वामी क्या करें, कस आयरन उत्पन्न, हम कहाँ आचरण उत्पन्न करें, कहाँ आचरण करने योग्य, मनुष्य वहां मिला है तो कहाँ आचरण करना चाहिए, उत्पन्न आयरन आचरण प्रकट करो, कहाँ आचरण प्रकट करें, उत्पन्न बिंदु तुम्हारे अंदर में परम सुख का दाता तुम्हारा निर्विकल्प आत्मा अभी विद्यमान है, तत्काल उस निर्विकल्प स्वभाव में आचरण करने की भावना भाव उसमें आचरण करो, उत्पन्न विज्ञान भेद ज्ञान को प्रकट करो, केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति को जगाओ, उत्पन्न पद और बीत राग सिद्ध पद को प्रकट करो, ये अपना साक्षात्कार ब्रह्म स्वरूप है। उत्पन्न अर्थ क्या करो, अरे प्रयोजनी तत्व को, प्रयोजनी पदार्थ को, प्रयोजनी द्रव को उत्पन्न कर लो, और क्या कह रहा है, उत्पन्न अवकाश, इसी में ठहरो, ये आचरण करने योग्य है। तारासन कौन सा आचरण करने योग्य नहीं है, तेंद्री मिलन, इंद्रियों से मिलन करने योग्य नहीं है, तेंद्री रमण, इंद्रियों में रमण करने योग्य नहीं है, तेंद्री आनंद, इंद्रियों में आनंद मानने योग्य नहीं है, तेंद्री वास, इंद्रिय विषयों में निवास करना योग्य नहीं है, तेंद्री उक्त, इंद्रियों की चर्चा करना योग्य नहीं है। भैया इंद्रियों का कोई भी कार्य प्रयोजनी नहीं, तारासन क्या प्रयोजनी है, तो कहने लगे उत्पन्न अवकाश अपने ज्ञायक स्वभाव में ठहरना प्रयोजनी है, उत्पन्न अनुभव अरे अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेना अनुभव में करना प्रयोजनी है। जो प्रयोजनी है वो करते नहीं हो, और जो निष्प्रयोजनी है इंद्रिय विषय उत्पन्न देना अलग रहते, तो ना दोनों बात कहेंगे भैया, स्वस्थान में आवरण डालेगा तो थापर, और शुद्ध बुद्ध आत्मा हो अरे इस स्वस्वरूप का चिंतन करेगा तो तीर्थम कर, क्या करना, मनुष्य को आयु मिला, खाओ पियो कमाओ और मर जाओ, और एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओ और 12,024 बार जन्म मरण करो, वही तो कह रहा है खाओ पियो और मर जाओ, और 12,024 बार तेज काय में एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण करो, इसलिए मिला है, या फिर क्या कह रहा है, देखो देखो क्या कह रहा है, क्या करो, उत्पन्न मुक्ति रमण, उत्पन्न क्षिपक छायक स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करके मुक्ति में रमणता को प्रकट करो और जन्म मरण का आभाव करो, काय के लिए मिला, काय के लिए मिला है, उत्पन्न ज्ञान रमण आनंद आनंद नंद उत्पन्न, काय के लिए मिला, ज्ञान स्वभाव में रमण करके नंद आनंद में अंतर दशा को प्रकट करने के लिए मन स्वभाव मिला है, आत्म तत्व की स्मृति रखने के लिए मिला है, अंतर की जय जयकार मचाने के लिए मिला है, या फिर काय के लिए मिला, एक एक इंद्री के विषय भोग करने के लिए, उदाहरण समझे कह रहा है, तेंद्री तेंद्री चलन, तेंद्री ठी, तेंद्री आहार, तेंद्री निद्रा, इंद्रियों में खाने में, इंद्रियों में चलने में, इंद्रियों में बोलने में, इंद्रियों के बल में, इंद्रियों के आसन में, इंद्रियों से सोने में, कहना क्या इनके लिए मनुष्य हो मिला, इन इंद्रियों में एक 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 इंद्री में एक 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 में कराओ, इन एक एक इंद्री में एक में कराओगे तो एक इंद्री हो जाओगे, तेज काम चले जाओगे, और इन इंद्रियों से भिन्न दृष्टि इष्टि उत्पन्न, यदि अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न कर लोगे तो जय जयकार मच जाएगी, और ये आत्मा सिद्धि और मुक्ति के सुख को मिल सके, काय के लिए मिला, इंद्रियों के बल से जो कर रहा हूं वो इंद्रियों के बल को, जिसे हम कह रहे हैं मेरे द्वारा ये हो रहा है, इंद्रियों से मैं जान रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये इंद्रियों के बल के लिए ये अपना बल है, या अंतर में जो अपना ज्ञायक स्वभाव है अतीन्द्रिय आत्मा उसका बल अपना बल है, किसके बल से काम चल रहा है, मन के बल से, इंद्रियों के बल से, या आत्मा के बल से,
आत्मा अनंत वीर का धारी है, आत्मा अनंत वीर का धारी है। तुम इस आत्मा के अनंत बल को जानते हो, या फिर इंद्रियों से जो प्रणवन हो रहा है उस बल को अपना बल मानते हो? कौन सा बल अपना, कौन सा वाला? हाँ, आज से ये एक दिक्कत हो गई कि इंद्रियों का बल अपना बल लगने लगा, तो इतनी आकुलता हो गई, इतनी आकुलता हो गई कि मन से पूरे जीवन में विकल्प के अलावा कुछ नहीं बचा, सिर्फ विकल्प 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 आकुलता वाला, क्योंकि इंद्रियों का बल अपना बल भासने लगा। और लेकिन जिस दिन अंतर में इस जीव को यह स्वीकार हो जाए कि इंद्रिय बल तो कुछ समय में क्षीण हो जाएगा, अरे अपन ने खुद देखा है, जवानी में कुछ था, बुढ़ापे में कुछ और हो गया, ये इंद्रिय बल तो थोड़े समय में खुद क्षीण हो जाएगा, इस इंद्रिय बल की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन यदि एक बार अपने अंदर आत्मा का उत्पन्न दृष्टि एक बार अपने अंतर का इष्ट स्वभाव को स्वीकार करके एक बार आत्मा के ज्ञान का बल प्रकट हो गया, तत्व का बल प्रकट हो गया, मैं भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी शक्ति स्वीकारता में आ गई, तत्व की श्रद्धा हो गई, भगवान जी एक बार यदि आत्मा का बल प्रकट हो गया तो मुझे किसी भी गति में कोई दुखी करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर आत्मा के बल से सारे कर्मों को विजय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक बार अंतर का बल तो प्राप्त हो, इंद्रियों से, इंद्रिय विषयों से, बाहर के विकल्पों से हटके एक बार अंतर का बल तो प्राप्त हो, जीवात्मा याद रखो इंद्रिय का बल जीर्ण शीर्ण है, अपने खुद नष्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यदि एक बार अंतर आत्मा की शक्ति को स्वीकार कर लो, आत्मा के चिंतन में रत रहो, तो आत्मा को स्वीकार करते ही अंतर का बल दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे वस्तु स्वरूप की स्वीकारता से अंतर का बल बढ़ेगा, वैसे वैसे बाहर की सारी उलझन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। याद रखो भगवान जी, उलझन बाहर कहीं नहीं, उलझन मन में है, क्योंकि परिणमन तो कर्म के अनुसार स्वतंत्र चल रहा है, उलझन बाहर कहीं नहीं है, बाहर उलझन होती नहीं, बाहर तो परिणमन चलता है, उलझन होती है मन में। और यदि जीव को भगवान की वाणी स्वीकार हो जाए, सर्वज्ञ भगवान के वचन स्वीकार हो जाए, तो तत्व का सच्चा श्रद्धा होने से, आत्मज्ञान का बल होने से मन की उलझन खत्म होती है। तो जहां मन की उलझन खत्म होती है, मन उलझना बंद करता है, ज्ञान का तत्व का बल प्राप्त होता है, वहां मुक्ति का मार्ग सहज बन जाता है। उलझन बाहर नहीं, कर्म तो अच्छे बुरे सबके चलते हैं, कभी पुण्य का उदय होता है तो कभी पाप का उदय होता है। तो भैया देखो तो इससे अच्छा पुण्य का उदय क्या है, बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, सब कुछ है, दुकान वकान लाड़ी गाड़ी सारे, क्या कमी है, ये तो पुण्य का उदय होता है। अब इसमें ही यदि अपन कोई आकुलता में बैठ जाए, अर्थात मतलब अंतर में कोई शल पाल ले, तो वो शल से, उस चिंता से वो क्या कर सकता है भैया, अपने पूरे जीवन को सूल की तरह आकुलता में जी सकता है। और यदि इसी पुण्य के उदय में यदि कोई भव्य आत्मा तत्व के ज्ञान का बल उत्पन्न कर ले, सूक्ष्म स्वयं क्षिपन स्वभाव उत्पन्न, कोई अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय छायिक स्वभाव को उत्पन्न कर ले, ज्ञान की रमणता को प्रकट कर ले कोई भव्य आत्मा, तो वो ही अंतर आत्मा के ज्ञान के बल से क्या कर सकता है, श्री रमण आयरन श्री मुक्ति स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करके, श्रेष्ठ स्वभाव के आचरण को प्रकट करके मुक्ति श्री का वरण कर सकता है। वो ही बात है, ज्ञान का बल जगा के कोई इसी भाव में अपने सारे कर्मों को नाश करने की व्यवस्था बना सकता है, और कोई आकुलता और चिंता नॉलेज के इसी भाव में तेज काय में एक इंद्रिय पर्याय अग्नि काय में जाके 12,024 बार जन्म मरण कर सकता है एक अंतर मुहूर्त में, 48 मिनट के अंतर अंदर 12,024 बार जन्म मरण कर सकता है। अपने हाथ जगन्नाथ, स्वयं का हाथ जगन्नाथ, स्वयं का भाग रचेता मैं स्वयं हूं। अपने अपने अंतर देखना भैया, यदि वस्तु स्वरूप स्वीकार हो रहा है और ये बात अंतर से रुचिकर लग रही है, और लग रहा है कि वास्तव में सत्य तो यही है,
यही सत्य है। क्या सत्य है? कि भगवान आत्मा बाहर का परिणाम तो कर्म दे जन्य है, बस मैं अंतर की उलझन छोड़ दूं, बस कुछ नहीं, मैं अंतर से मिथ्या मानता ही छोड़ दूं, मैं अंतर से मन की पकड़ तोड़ दूं। यदि मैं मन की पकड़ तोड़ दूं तो बाहर का सारा परिणाम स्वतंत्र है, वो तो होता रहेगा। और ये आत्मा अपने मन की पकड़ को तोड़ के, अपनी मिथ्या मान्यता को तोड़ के, ये जीव संसार की यात्रा से छूट जाएगा। देखो भैया, संसार की यात्रा से छूटना है तो आत्म ज्ञान के अलावा, सम्यक ज्ञान के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। मतलब आशीर्वाद में रोज पढ़ते ना, उत्पन्न रंज प्रवेश गमन। अरे भव जीवो, आप स्वभाव को अनुभव करो, और इस पंचम काल में या किसी भी काल में भव जीवों को एक जनवाणी ही आश्रय लेने योग्य है। क्यों? क्योंकि इससे ही अंदर की जागृति होगी और ये जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। भैया अपन इस बात को समझे, स्वीकार करें, और तारण स्वामी की इस बात को स्वीकार करके अपने जीवन से जन्म मरण के भाव को छोड़े। भैया जन्म मरण मतलब जब तक पर पर्याय में एकत्र है, जन्म मरण, और जहां आत्मा को बोध हुआ वहां मुक्ति सीढ़ी बनाई पढ़े गई। इसलिए आज का समय हो गया है, अपन कल फिर चलेंगे शुरू से तेज। मन को बोध होता है ना जब मन वस्तु स्वरूप को सुनता है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार, मन ही चिंता करता है, मन ही रोता है, मन ही मरता है, मन ही मारता है। और जब इस मन को भगवान की वाणी के चिंतन में लगा दो तो मन ही उस आत्म तत्व को स्वीकार करता है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, मन अंतर के उलझन को छोड़ता है, मन की मिथ्या मान्यताएं टूटती है तो जीव सुखी हो जाता है। मन से चिपट जाए तो दुखी, मन मार दे, मन आकुलता में मार दे, चिंता में मार दे तो दुखी, और मन में वस्तु स्वरूप स्वीकार हो जाए तो सुखी। मन का स्वरूप बदला जा सकता है। सीधे कहते हैं मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। यदि आपने वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया, ये मन जीत जाए तो आनंद आनंद, और वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं हुआ, मिथ्या मानता हूं लग जाए तो यही नरक में ले जाए। इसी से जीत जाओ, इसी से हार जाओ। ये वही रास्ता है जो निगुद भी ले जाता है, और ये वही रास्ता है जो मुझे मुक्ति भी ले जाता है। मन पे अंकुश लगाना जरूरी है, क्रांति मन पे अंकुश लगाना जरूरी है। अब कल होगा क्रांति और सब कुछ होगा, कल होगी, अपन कल करेंगे मंचन। बोले श्री गुरु महाराज की जय। वस्तु दर्शन।